कहानी की शुरुआत होती है एक मैदान एजंग से। हमें 6वीं शताब्दी का काल दिखाया जाता है जहां ताइजोंग की सेना आंसी किले को फतेह करना चाहती है और इन सब का लीडर चीन का एम्परर ताइजोंग है, जो कि अपने ही पड़ोसी देश कोरिया के गोगुरियो साम्राज्य पर हमला कर देता है। ताइजोंग अपने समय का सबसे जांबाज खिलाड़ी था। वहीं दूसरी तरफ कोरिया के गोगुरियो साम्राज्य का जनरल योन इनसे बिना डरे डटकर अपनी सेना के साथ इसकी तरफ बढ़ता है और इसके करीब 1.5 लाख सैनिक अपने हथियार लेकर ताइजोंग की सेना पर वार करने आगे बढ़ जाते हैं। इस युद्ध में भले ही ताइजोंग इनका लीडर था, लेकिन वह दूर से ही इस युद्ध को होता हुआ देखता है, क्योंकि वह जानता था कि मेरी सेना दुश्मन को अच्छा सबक सिखाएगी और जीत उसी की होगी। लेकिन कोरियन सेना भी कुछ कम नहीं थी, इनके पास भी सैनिक काफी तादाद में थे। इसी बीच चीनी सेना अपने छुपे हुए दुश्मनों को सामने ले आती है, जो पीछे से कोरियन सैनिकों के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसमें काफी लोग मारे जाते हैं। अब ऐसे मुश्किल वक्त में कोरियन सेना के पास पीछे हटने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था। इसी बीच हमें एक नया किरदार दिखाया जाता है जिसका नाम था सामुल। यह अपने भाई की मौत से बहुत ही ज्यादा दुखी था और वह अपने भाई को कंधों पर डालकर यहां से चला जाता है। और फिर कहानी घूमती है ताइजोंग पर, जो अपने साथियों के साथ अगले प्लान के बारे में बातचीत कर रहा था, और इसी दौरान उसके कुछ सिपाही एक कोरियाई लड़की को उसके सामने ले आते हैं, जिनको इन्होंने बंदी बना लिया था। यह लड़की भविष्य देख सकती थी। यह लड़की चीनी लोगों को गोगुरियो के प्राचीन धनुष को छूने से मना करती है, जो महान राजा चमोंग का था। और ताइजोंग फिर से अपने प्लान को लेकर बातें करना शुरू कर देता है। यह कहते हैं कि हमें गोगुरियो साम्राज्य को अपने कब्जे में लेने से पहले एनसी किले को अपना बनाना होगा, क्योंकि यह किला गोगुरियो साम्राज्य का अहम हिस्सा था। और फिर ताइजोंग यह बात अच्छे से जानता था कि गोगुरियो के जनरल यीन और आंसी किले के कमांडर के बीच रिश्ते कुछ अच्छे नहीं हैं, इसलिए वह सोचता है कि एनसी किले को जीतना काफ़ी आसान होगा और फिर इसे जीतने के बाद वह आसानी से गोगुरियो साम्राज्य तक पहुंच जाएगा। यह बात गोगुरियो के जनरल योन को भी पता चल जाती है कि ताइजोंग का अगला निशाना आंसी का किला है, लेकिन वह इसकी मदद नहीं करता, बल्कि इस किले के कमांडर को मारने का प्लान बनाता है और सामूल को अपने पास बुलाकर कहता है कि क्या तुम कमांडर यांग को मारोगे? मैं जानता हूं कि तुम बहुत वफादार हो और बहादुर भी हो। और फिर इसे तलवार देता है। यह सुनकर सामूल भी वादा करता है कि मैं आपका यह काम जरूर करूंगा। अगले दिन सामूल अपने साथियों के साथ रास्ते में दिखाया जाता है, जहां कुछ गाड़ियां गड्ढे में फंसी हुई थीं, जिन्हें निकालने में सामूल उनकी मदद करता है और आंसी के बारे में पूछता है। इस पर एक आदमी कहता है कि मैं कमांडर यांग हूं। यांग का साथी कहता है कि मैंने सुना है कि ताइजोंग ने अपने कुछ जासूस भेजे जो कि हम लोगों की भाषा बोल सकते हैं। यह सुनकर सामूल के सिपाही अपनी अपनी तलवार निकाल लेते हैं, लेकिन वह मारे जाते हैं और सामूल को यह लोग अपने साथ बंदी बनाकर ले जाते हैं। यांग सामूल से कहता है कि योन के आदमी मुझे गद्दार मानते हैं और तुम मेरे ही गढ़ में आ गए हो। इस पर सामूल कहता है कि दुश्मन मेरे पीछे पड़े हैं और मैं इसे चाहूं या ना चाहूं, लेकिन आंसी मेरा घर है। इतने में एक आदमी आता है और सामूल को बताता है कि तुम उस कबीले के आखिरी सदस्य बचे हो। जब सामूल अकेला होता है, तब वह अपनी तलवार निकालकर देखने लगता है, जिससे उसे यांग को मारना था। यांग का पीछा करते हुए सामूल छुपकर उस घर में देखता है कि यांग एक गरीब से घर में न्यू बोर्न बेबी को गोद में लेकर उसका नाम रख रहा था। इस पर यह औरत भी उसको शुक्रिया बोलते हैं। यह देखकर सामूल को एहसास होता है कि यांग अपने लोगों का काफी ध्यान रखता है और लोग भी इसे खूब प्यार करते हैं। अगले दिन यांग को कुछ लोगों के साथ मिलकर रस्सी खींचते हुए दिखाया जाता है और तभी कुछ देर में सायरन बजने लगता है। और जब यह सब लोग वहां जाकर देखते हैं, तो वहां कुछ सोल्जर होते हैं जो उनकी फिराक में यहां आए थे ताकि अपने मकसद में कामयाब हो सके। यह देखकर यांग कहता है कि जरूर ताइजोंग भी हमारे आसपास ही होगा और जल्द ही हमारे किले पर हमला होने वाला है, इसलिए यांग सबको जंग की तैयारी करने के लिए कहता है। युद्ध में उतरने से पहले यांग सामूल के हाथ में अपनी कतार देता है और कहता है कि तुम मेरी दाढ़ी काट दो। सामूल सोचता है कि यांग को मारने का इससे अच्छा मौका तो कोई भी नहीं होगा, लेकिन वह चाहकर भी ऐसा कर नहीं सकता। सामूल के हाथ कांपने लगते हैं, जिसे देखकर यांग समझ जाता है कि सामूल यहां योन के कहने पर उसे मारने आया है। यांग सामूल से कहता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम्हें इसका एक और मौका मिलेगा, और यह सब जंग के लिए निकल जाते हैं।
सामने से ताइजोंग की सेना भी इनका मुकाबला करने के लिए आ जाती है, जिनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। यह देखकर यांग अपने साथियों की हिम्मत को बढ़ाते हुए कहता है कि तुम लोग अगर किले को बचाना चाहते हो तो तुम्हें इस जंग को जीतना ही होगा। और फिर शुरू होता है एक महान युद्ध, जहां चीनी सिपाही किले की दीवार तोड़ने के लिए बड़े बड़े पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं। अब चूंकि किले की दीवार काफी मजबूती से बनी हुई थी, इसलिए यह कड़ी मेहनत के बाद भी इसे तोड़ नहीं पाते। इसलिए यह लोग इस पर हमला करते हुए किले की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। इन चीनी सिपाहियों को रोकने के लिए एनसी के सिपाही तीरंदाजी करना शुरू कर देते हैं, जिसमें काफी सिपाही मारे जाते हैं। यह देखकर चीनी सिपाही बड़ी सी लकड़ी की मदद से किले का बड़ा सा दरवाजा तोड़ देते हैं और अंदर घुस जाते हैं। लेकिन अंदर पहुंचते ही चीनी सेना अंसी के सिपाहियों के बिछाए हुए जाल में फंस जाते हैं। अंसी के लोग पहले से इन्हें फंसाने का जाल बिछा चुके थे, जिसमें फंसकर ताइजोंग के बहुत सारे सिपाही अपनी जान गंवा देते हैं। और जब ताइजोंग को इस बात का पता चलता है तो अपने बचे हुए सिपाहियों को पीछे हटने का हुक्म देता है, और किले से कुछ देर के लिए ही सही परेशानी टल जाती है। इस खुशी में एनसी के सभी लोग रात में जश्न मनाते हैं, और इसी रात सामूल भी अपना वादा पूरा करने के लिए यांग के पास पहुंच जाता है और अपनी तलवार यांग के गर्दन पर रख देता है और पूछता है कि तुमने गोगुरियो के जंगलों की बात क्यों नहीं मानी। इस पर यांग कहता है कि मेरा यह फर्ज बनता है कि मैं एनसी के किले की रक्षा करूं। अगर मैं ज्यादा सिपाही वहां पर भेज देता तो फिर किले की रक्षा कर पाना नामुमकिन हो जाता, और गोगुरियो समाज के लिए यह किसी खतरे से कम नहीं था। रात को फिर से खतरे का सायरन बजना शुरू हो जाता है, क्योंकि ताइजोंग की सेना ने इन पर चढ़ाई कर दी थी। यह चीनी सेना किले के पास ही टावर बनाती है और फिर तारों से हमला करना शुरू कर देती है। यह देखकर यांग अपने सिपाहियों से मिट्टी के तेल के गोले बनाने के ऑर्डर देता है, जिनसे यांग चीनी सिपाहियों के साथ साथ इनके टावर को भी जलाकर राख कर देगा। लेकिन इन सब में यांग बहुत जख्मी हो जाता है, और इसी का फायदा उठाते हुए जैसे ही चीनी सैनिक इस पर हमला करते हैं, वैसे ही सामूल बीच में आकर यांग को बचा लेता है। और फिर ठीक चार दिन बाद यांग को होश आता है, और जब उसे पता चलता है सामूल, जो कि उसकी जान लेने आया था, उसी ने उसकी जान बचाई, तो वह बड़ा खुश होता है। वहीं दूसरी तरफ ताइजोंग बहुत ही गुस्से में था, क्योंकि उसने बहुत सी जंग जीती तो थी, लेकिन इस किले पर अपना कब्जा जमाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। इसलिए ताइजोंग उस कोरियन भविष्य बताने वाली लड़की को अपने पास बुलाता है और उसके जरिए यांग के पास एक मैसेज भेजता है कि वह आखिरी हमला करने से पहले चाहता है कि तुम सरेंडर कर दो। साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि ताइजोंग अंसी के किले के पास ही एक मिट्टी का किला बना रहा था, ताकि वह बराबरी से अंसी के किले पर हमला कर सके, और यह काम जल्द ही शुरू भी हो जाता है। और यहाँ पर एंट्री होती है अंसी के किले के सेनापति की, जिसका नाम पासू था, और यह कहता है कि मैं उस किले के बनने से पहले ही ताइजोंग को मार दूंगा, और परमिशन लेकर रात में ही अपने सैनिकों के साथ ताइजोंग की तरफ रवाना हो जाता है। लेकिन यह लोग जब यहाँ पहुँचते हैं तो इन्हें पता चलता है कि किसी ने इनके हमला करने की खबर पहले ही ताइजोंग को दे दी थी, इसलिए यह सब मारे जाते हैं। लेकिन पासू मरने से पहले कमांडर यांग के पास चला जाता है, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि यह काम चीनी लड़की का किया हुआ था, जिसने पासू के आने की खबर ताइजोंग को दे दी थी। यह लड़की कहती है कि आंसी के पास खुद को ताइजोंग के हवाले करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। मैं तुम्हारा भविष्य देखकर बता सकती हूँ कि तुम्हारा बुरा वक्त आने वाला है। यह सुनकर समूल उसका गला काटकर उसे मार डालता है। पासू की महबूबा और यांग की बहन पासू की मौत का बदला लेने के लिए खुद ताइजोंग को मारने के लिए निकल पड़ती है। बहादुरी से लड़ने के बाद आखिरकार इसे भी चीनी सेना मार देती है। इसके शरीर को किले में लाकर पासू के साथ ही दफना दिया जाता है। यह सब देखकर सामूल यांग से मदद मांगने के लिए खुद गोगुरियो के पास जाने के लिए कहता है, और यांग की इजाजत से गोगुरियो साम्राज्य में जाकर उससे कहता है कि यांग गद्दार नहीं है, बल्कि वह तो आज भी एनसी के किले की सुरक्षा के लिए बहादुरी से लड़ता है। इधर यांग बच्चों को मिट्टी से खेलता हुआ देखता है तो वह प्लेन बनाता है कि वो बनने वाले मिट्टी के किले को गिरा देगा, और इस बात को सभी लोकल लोगों के साथ शेयर भी करता है, जिस पर यह लोग कहते हैं कि इसके लिए हम किले के नीचे एक गुफा खोदेंगे ताकि किले को आसानी से गिराया जा सके। साथ ही यांग से कहते हैं कि जब तक हम गुफा का काम पूरा न कर ले, तब तक आप भी उन्हें किला बनाने दीजिए। और कुछ दिन बाद गुफा का काम पूरा हो जाता है, और अब यह लोग प्लान बनाते हैं कि जब चीनी सिपाही किले में होंगे तब वो लोग गुफा में मौजूद खंभों में आग लगाकर उसे गिरा देंगे। लेकिन बदकिस्मती से बारिश हो जाती है,
और गुफा में पानी भर जाता है, इसलिए यह लकड़ी के खंभे गीले होने की वजह से जल नहीं पाते। यह देखकर लोग फैसला करते हैं कि वो इन खंभों को कुल्हाड़ी से काटेंगे और अपने जीवन को एनसी के नाम पर खत्म कर देंगे। और यह लोग खंभों को काट देते हैं और खुद मिट्टी मलबे के नीचे दबकर मर जाते हैं। और वहीं किले में चीनी सैनिक भी मारे जाते हैं और किला मिट्टी में मिल जाता है। और मौका देखकर यांग और उसके साथी चीनी सैनिकों के ऊपर हमला कर देते हैं। यांग कहता है कि जब तक हम मर नहीं जाते तब तक यह लड़ाई लड़ेंगे, और दिन रात यह लड़ाई होती रहती है। और इसी बीच यांग अपने आदमी से कहता है कि जाओ मेरे लिए जुमोक का प्राचीन धनुष लेकर आओ। और फिर प्रार्थना करते हुए इस धनुष से ताइजोंग की तरफ निशाना लगाता है, और वह धनुष जाकर ताइजोंग की आंख पर लग जाता है, जिससे ताइजोंग बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। लेकिन ताइजोंग की सेना लगातार आगे बढ़ती रहती है। इधर अब समूल भी गोगुरियो साम्राज्य के साथ यांग की मदद के लिए आ जाता है, और यह सब मिलकर चीनी सैनिकों को घेर लेते हैं। इसमें ताइजोंग के काफी सिपाही मारे जाते हैं, और आखिर में ताइजोंग भी हार मान लेता है और एनसी के लोग जश्न मनाने लगते हैं। इसी बीच सामुल और यांग भी एक दूसरे के गले लगते हैं, और थोड़े समय बाद किसी कारणवश ताइजोंग की मौत हो जाती है। और फिर एनसी का किला और यहाँ के लोग आज़ादी से रहने लगते हैं, और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।